तो वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सियासत अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी जयपुर में एससी मोर्चा की ओर से अंबेडकर सर्कल पर मौन धरना कर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। एससी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक कर पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की होती है, वो चाहे किसी भी सरकार के किसी भी दल की राज्य सरकार हो। लेकिन जब माननीय मोदी जी भी कुछ दिनों पहले पंजाब में गए तो वहाँ पर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई उसकी साजिश नज़र आती है, उनके जान से जो खिलवाड़ हुआ उन सबको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और उनकी जान से खिलवाड़ को लेकर के एक ही हम लोगों ने एक सांकेतिक मौन धरना प्रदर्शन किया है जो बाबा साहब के श्री चरणों में बैठ के कह रहे हैं। और एक देखिए, देश के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी। जिस प्रकार पंजाब सरकार ने केंद्र के कांग्रेस के नेताओं को सोनिया जी और राहुल गांधी के कहने से ये कूट रचना की है, इनकी सुरक्षा में जानबूझकर चूक की है, इससे देश ही नहीं पूरा विश्व हतप्रद है। इस जगह पे यूं कहें कि प्रधानमंत्री देश का कार्यपालिका का सर्वोच्च पद है, यदि उनकी ही जान सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, आम नेताओं का, आम भारत के नागरिकों का क्या होगा।